अच्छा कल अपन लोगों ने बर्नौली की एप्लीकेशन पढ़ी थी ना, बर्नौली की एप्लीकेशन में अपन ने एटोमाइजर पढ़ा था, एटोमाइजर पढ़ा था, इसके अलावा चटुड़ाई थी, लोगों ने घर पे भूख मार के देखी तो उड़ रही थी छत, नहीं उड़ी कोई बात, देखो उसको मतलब अच्छे से करना पड़ता है, ऐसे हर कोई नहीं कर पाता, टीचर कर लेता। अब सुनो, अच्छा ऐसे में करना क्या चाहिए, खिड़की दरवाजे खुले रखने चाहिए या मतलब बंद कर लेने, खुले या बंद, खुले रखोगे तो प्रेशर डिफरेंस नहीं रहेगा, प्रेशर डिफरेंस नहीं रहेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब उतना फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर डिफरेंस थोड़ा तो रहेगा ही बट स्टिल, अरे अब बातें बंद, बिल्कुल चुप, प्रेशर डिफरेंस आपका थोड़ा सा रहेगा, उससे कोई इतना फर्क नहीं आता कि आपकी छत उड़ जाए, तो इसलिए ऐसे में खिड़की दरवाजे क्या करने चाहिए, खुले रखने चाहिए, तो ये फिजिक्स आज हम लोग सीख चुके हैं, इसलिए अगर आप कहीं जाके फ्यूचर में यूएस यूएस में जाके बसे, क्योंकि तो यूएस में खूब टोर्नेडोज वगैरह आते हैं, सुना होगा तुमने, टोर्नेडोज वगैरह खूब आते हैं वहां पे, तो वो जो आते हैं ना बवंडर, उसमें यही होता है, छतें वतें मजे से उड़ती रहती है वहां, इसीलिए तो लकड़ी के घर बनाते हैं, खूब होता है वहां, है ना, कैटरीना नाम का तूफान आ गया, अगले साल कैफ नाम का आ जाएगा, फिर दीपिका पादुकोण आ जाएगा, नाम ही ऐसे रखते हैं कैटरीना, तुम्हें तो सारा इंटरेस्ट ही सन्नी में, सन्नी देवल बोल रहे हो ना, दादा मेरे को सन्नी बाबा, चलो अब राखी सावंत, उसके बारे में तो सोच के भी मेरे को उल्टी आने लगती है, हैप्पी राखी। चलो तो अपन लोग जो बात कर रहे हैं वो यही है कि अपने को ये एप्लीकेशंस बताओ, ऐसे ही बॉल की जो स्विंग होती है, बॉल की स्विंग को अपन लोगों ने एक इफेक्ट भी नाम दे रखा है, उसका नाम होता है मैग्नस इफेक्ट, मैंने अलग ही कल तुम्हें बता दिया था, मैग्नस इफेक्ट बोल के नहीं बताया था, अब उसका टर्म काम में ले रहा हूं, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, मैग्नस इफेक्ट, तरीका वही है, एक तरफ से चमका लो एक तरफ से काली रखो, है ना, चमक वाली साइड से हवा कटती है, इधर वाली से हवा कम कटती है, उसके हिसाब से बॉल जो है वो इन स्विंगर और आउट स्विंगर बनती है, ठीक है, यही हम लोगों ने बात की थी, और क्या था, एरोप्लेन का लिफ्ट, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी, है ना, शायद कोई सवाल भी किया था, क्या था, अच्छा ये फाइंड एच फॉर आरमैक्स, आरमैक्स निकाल सकते हो कितनी आएगी, बताओ क्या आएगी, करो कैलकुलेट करो, अभी आरमैक्स की वैल्यू बताओ इसी क्वेश्चन में, एच आ रही है, अरे वही वाला क्वेश्चन है, एच आ रहा है क्या, ये है क्या, एच वाई टू हो गई ना, मैं तुमसे आरमैक्स निकलवा रहा हूं, आरमैक्स से आ रहा है भाई, तुम्हें तो वीटी करना है ना, वेलोसिटी बोलो यहां पे, अंडर रूट एच वाई टू, तुम्हें यार अब तो एच की वैल्यू एच वाई टू है ना, और मल्टीप्लाइड बाय क्या, टाइम, टाइम बोलो कितना लग गया यहां से यहां तक, अंडर रूट टू एच बाय जी, बोलो सही है क्या, सॉल्व कर लो, सही लिखा है ना मैंने, वेलोसिटी इनटू टाइम, देख ये दोनों कटे, ये दोनों कटे, और कुछ कटे क्या, ये और ये भी कटे, आंसर क्या आ गया, समझ गए, तो आपकी आर मैक्स एच के बराबर आ जाती है, ठीक है, अच्छा अगर कोई आपसे पूछे कि यहां खड़ा हुआ जो आदमी है, आर मैक्स पे खड़ा हुआ जो आदमी है वो इस वाली लाइन के साथ कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा, यहां खड़ा हुआ आदमी इस लाइन पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, 45 नहीं आएगा क्या, अरे यार ये भी एच है ये भी एच है, आर मैक्स वैल्यू एच आई ना, तो 45 डिग्री का एंगल सबटेंड नहीं करेगा, ये तो मैं ऐसे ही तुमसे सवाल पूछ रहा था मजे के लिए, पूछा नहीं जाता, ये जरूर पूछा जाता है, समझ रहे हो, पक्का, चलो और करते हैं, आओ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, है बेटा, अच्छा ये कुछ लिखवा रहा था क्या मैं, क्या बोला था मैंने, फाइंड द टाइम टेकन टू एम्प्टी द वेसल वाला सवाल, अच्छा देख ये था सवाल, सुनो क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन टू एम्प्टी द वेसल, है ना, यार ये आया नहीं यार पवन, हाँ बिल्कुल मुझे, अरे अभी कुछ हरकत नहीं, पहले सवाल बना दूं मैं उसके बाद में कर रहा हूं, सुनो यहां पर एक ओरिफाइस है, ओरिफाइस इज अ स्मॉल होल, ठीक है,
इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या दे रखा है इसका ए। सर आप एक काम करो, 90 समोसे करवा दो। हाँ हाँ है ठीक है, कोल्ड ड्रिंक नहीं तुम फैलारा करते हो, नो कोल्ड ड्रिंक तुम साले गीता मैम कर लिया। चलो 30 फरवरी जो आपने को एक कंटेनर दे रखा है, कंटेनर का एरिया दे रखा है क्रॉस सेक्शन कैपिटल है, कंटेनर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या दे रखा है कैपिटल है, ऑरिफाइस का क्या दे रखा है छोटा है ना, यानी हाइट आप लोगों को दे रखी है जिसमें पानी भरा हुआ है, लेट्स कॉल इट छोटा है ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज यहां से पानी बहेगा तो फाइंड द टाइम टेकन टू एम्प्टी द वेसल, कितने समय में पूरा वेसल खाली हो जाएगा। वेसलवा को खाली कर दें उतना ही वॉल्यूम यहां से बाहर निकलेगा, और यहां से मान ले V1 वॉल्यूम बाहर आ रहा है, सुनो यहां से मान लो V1 वॉल्यूम बाहर आ रहा है और यहां से जो कम हो रहा है वो मान ले V2 है, तो dV1 by dt शुड बी इक्वल टू dV2 by dt, उतना ही तो कम होगा जितना यहां से बाहर निकलेगा। अब सोचो कैसे लिखोगे इसको, तुमने वो सुना है फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद है, A1V1 = A2V2, वो बेसिकली वही तो है मास फ्लो रेट, जितना एंटर करेगा उतना बाहर निकलेगा, अब इसमें जितना कम होगा उतना बाहर निकलेगा, तो व्हाट यू शुड अप्लाई इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1V1 = अब सुनो कैसे, इसका एरिया बोलो ए, इसका एरिया बोलो कैपिटल है, तो बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सुनना मैंने यूज क्या किया है, dV1 = dV2 by dt, ध्यान रहे ये V1 V2 आर द वॉल्यूम, ये V1 V2 क्या है मास फ्लो की जो रेट है आपकी जिससे वो नीचे निकल रहा है, दैट शुड बी व्हाट सेम, तो dV1 by dt ठीक है। अच्छा अब इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, A1V1 = इसके लिए बोल यहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी, √2gh हो जाएगी, तो a टाइम्स अंडर रूट 2gh, यार तेरे को आया ही नहीं पक्का, दिस शुड बी इक्वल टू, अब सुन यहां पर एरिया कितना हो गया a, पर एक चीज सोच यहां पे जैसे जैसे एम्प्टी होता जा रहा है तो अपन लोग कुछ जनरल हाइट मान लो भाई, जनरल हाइट क्या मान लो क्योंकि टाइम निकालना है ना पूरा, तो यहां वेलोसिटी भी तो चेंज होगी ना हर पॉइंट पर, अरे यार तो वी हैव टू यूज व्हाट इंटीग्रेशन, क्या यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा और किसी पर्टिकुलर हाइट वाई के लिए लिखनी पड़ेगी इक्वेशन, सोच इसके घटने की रेट अगर मान ले वाई हाइट है तो dy/dt होगी, पानी घट रहा है कि बढ़ रहा है, श्योर हो 100%, पानी अगर घटेगा तो dy/dt लिखोगे या -dy/dt 100%, तो यहां क्या आएगा a into dy/dt, क्या यहां पे माइनस साइन, ये √2gh या √2gy, समझ में आ गई बात, क्लियर है सबको, सॉल्व करो क्या करना है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, y वाली टर्म y के नीचे ले जाओ, dt यहां उछाल दो, क्या आ गया बोल a/a है ना √2g और dt इंटीग्रल dt इज इक्वल टू बोलो यहां पे -dy/ क्या √y, यार तुम्हें दिखाई नहीं, यहां क्या सांप का प्रयोग, जैसे ही सांप लगाया तो लिमिट्स बोल 0 से लेके t, क्या 0 से लेके h, हो गई गलत, h से लेके 0 कर दी गलती, h से 0 0 से h घटा रहे हो ना, हाँ तो क्या लगाओगे h से लेके, ऐसी गलती अब आगे से नहीं करेंगे, क्लियर है ना सबको, बस वही गलती होती है, फिर क्या होता है टाइम नेगेटिव आता है, अपने को लगता है ये क्या हो गया, टाइम नेगेटिव कैसे आ सकता है, अरे सोच पा रहे हो, हाँ चलो अब सॉल्व कर लो, क्या आ गया यहां बोल 1/√y मतलब y^-2√y, इंटीग्रेट करना है, जानते हो मैं बता दूं एक बार,
y की पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस, जानते हो ना बेटा ये? वाह सर, मेरे को पता था वैसे तो तुम्हें आता है, वो तो मैं ही स्टाइल मार रहा था, है ना। यहाँ पे t बचा तो क्या हो गया, a बाय a रूट टू जी इंटू टी शुड बी इक्वल टू, यहां बोल टू रूट वाई, और y की जगह क्या h लिख दो, सही है गलत है, आर यू श्योर? तेरे को क्या निकालना था, ये सब यहां ले जा, क्या रहे t इज इक्वल टू बोलो रूट टू बच जाएगा ना ये, तो अंडर रूट टू एच बाय जी ए बाय, ये आपका टाइम। देख ये भी एरिया ये भी एरिया, रेशो है तो डायमेंशन नहीं होगी, और ये टाइम क्या होता था अंडर रूट टू एच बाय जी, टाइम क्या होता था असली में, वही आ रहा है ना आंसर, इतने टाइम में आपका वेसल खाली हो जाए। चलो डायग्राम बनाओ बढ़िया एकदम जोरदार, और क्वेश्चन लिख लो। रो डेंसिटी का लिक्विड है, एच हाइट पे भरा हुआ है, वही हमेशा की कहानी जोरदार वाली। कैलकुलेट द थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट याद है ना, थ्रस्ट फोर्स वी आर डीएम बाई डी टी, याद है थ्रस्ट फोर्स, ये एच हाइट में भरा हुआ है, बहुत याद है ना। सर याद है कौन सा, सर कौन सा वाला बोल रहे हो, अच्छा वो वाला बोल रहे हो सर, अच्छा वो वाला। कैलकुलेट द थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट थ्रस्ट, अबे मेरे ऊपर तुम्हारी थ्रस्ट फोर्स मत लगाओ, है ना। लेट्स कैलकुलेट द थ्रस्ट फोर्स, डोंट टॉक अबाउट द थ्रस्ट फोर्स। चलो आओ थ्रस्ट फोर्स की बात करते हैं ना, तो इसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूं, इट इज गिवन बाय एफ टी इज इक्वल टू वी आर डी एम बाय डी टी, है ना, याद आ गया होगा, यही अप्लाई करना, याद करो सेंटर ऑफ मास में पढ़ाया था तुम साले, वो तो पता नहीं कब की बातें कर रहे हो, बचपन में पढ़ा था सर, क्या बोल रहे हो सर आप, व्हाट आर यू सेइंग सर, आई फॉरगॉट सर, ये बात टॉपिक याद है, ये नहीं याद, अरे वेरिएबल मास में पढ़ाया था यार, चेन नीचे गिराई थी चेन ऊपर उठाई थी, कोई बात नहीं अभी कर, डीएम लिखने की कोशिश करो, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लो। चलो चलो बात नहीं, यहां पर तेरी वेलोसिटी है कितनी, अंडर रूट टू जी एच, अगर ध्यान से सोचो तो पक्का, तो जब मैं तुमसे डीएम लिखने को बोल रहा हूं तो डीएम में क्या लिखवाऊंगा, रो डी वी, अच्छा वी इंटू टी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो छोटी सी डिस्टेंस क्या होगी डी टी टाइम में, वी डी टी, तो हम लोग यहां क्या लिख सकते हैं रो, और डीवी लिखने के लिए क्या लिखूंगा, डिस्टेंस कितनी चला वी डी टी, एरिया कितना है, तो अपने यहां से क्या आ गया ए वी डी टी, नहीं आया ना, सबको आया, कैन यू पुट इट हियर, यही तो करना था, एयर थ्रस्ट क्या आ गया वी इंटू रो ए वी डी टी अपॉन क्या बेटा डी टी, निपटा, आंसर बोल रो ए वी, हो गया आंसर क्या आ गया आपका रो ए वी स्क्वायर, अब वी की अगर वैल्यू डल गई तो क्या आ गया रूट टू जी एच डल जाएगी वैल्यू, रूट टू जी एच का स्क्वायर क्या हो गया टू जी एच, वैल्यू डाल दे आंसर। मैं डालू वैल्यू डाल के लिखू, नहीं नहीं मैं पूरा लिख देता हूं, ऐसी क्या बात हो, अरे ऐसी क्या बात, मान टू जी एच रो ए, अब ये मत बोलना सर एक स्क्वायर की टर्म भी आएगी, है ना, अपने आज आंसर क्या हो गया टू जी एच रो ए, मैंने वी को क्या पुट किया बेटा अंडर रूट, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं,
बल्कि ऐसे ही क्वेश्चन आता है तो अपने को आने चाहिए, क्लियर है ना? आओ, अरे एडवांस के यार, मेंस का होता तो मैं बोलता तुझे कि मेंस लेवल ये सब एडवांस, उस समय याद थोड़ी आता है ट्रस्ट फोर्स क्या होती है, वो तो अभी ने बता दिया, तब तक तो वैसे ही तुम सारी चीजें भूल ही रहते हो, है कि नहीं? इसीलिए बता यार, रिस्क तो लाइफ में लेना ही पड़ता है यार। पर हाँ, अगर रिस्क थोड़ा सा कैलकुलेटेड हो तो अच्छा रहता। हाँ, रिस्क थोड़ा कैलकुलेटेड हो तो ठीक है। जैसे चार ऑप्शन है, ऐसे नहीं कि चारों में अक्कड़ वक्कड़ बम्बे बू करो, दो में अक्कड़ वक्कड़ करो तो प्रोबेबिलिटी सही होने की अच्छी होती है। अब तुम चार में ही अक्कड़ वक्कड़ करते हो, फिर बोलते हो सर नंबर नहीं आते, तुक्का लगाते हैं, सही नहीं होता, कहां से सही होगा? फिर दो में भी नहीं करते अक्कड़ वक्कड़, दो में कर सकते हो, कर दो तो भी गलत होता है। अब देखो, फूटी किस्मत का कोई इलाज नहीं। आओ, अरे चलो यहाँ जाओ, हो गई बात। क्या बोल रहे हो यार? चलो, बहुत खुशी की बात है, अब शांत रहो। अरे भाई चुप रहे, ये सब स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए डिफाइन होता है, ध्यान रखना है ना। देखते रहो चुपचाप। दिस डिवाइस इज कॉल्ड अ वेंचुरीमीटर। बता रहा हूं ये किस काम आता है, सब चीजें देख बता रहा हूं अभी। क्या क्रॉस सेक्शन एरिया A1, यहां पे A2, यहां पर वेलोसिटी मान ली V1 और यहां पर क्या मान लिया अपन ने V2। वील कंसीडर टू पॉइंट्स, let's call it point A and let's call this point B at the same level. दिख रहा है ना सेम पे? नहीं लग रहे क्या? मान लो सेम पर ही है ना। अरे ए और ये बी, यहां पर वेलोसिटी क्या दे रखी है? V2। सुनना जरा क्या हुआ। देख, ये जो डिवाइस है ना, ये बेसिकली वेलोसिटी मेजर करने के काम आता है। पाइपलाइंस वगैरह के अंदर इसको लगा देते हैं और पानी की वेलोसिटी मेजर करते हैं, ठीक है, लिक्विड्स के अंदर बेसिकली। जैसे मान ले ऐसा बोल दो कि कहीं पे कुछ तो बह रहा है, मान ले कीचड़ बह रहा है, स्लरी बह रही है, तो फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर जहां भी अपने को कोई भी इस तरह का मेजरमेंट करना होता है जिसमें वेलोसिटी मेजरमेंट की जरूरत पड़े तो वहां पे इसको फिट करते हैं और क्या करते हैं, वेलोसिटी नाप लेते हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी नापने का जो तरीका है वो मैं आप लोगों को सिखा देता हूं कैसे नापते हैं। जहां पर भी हाई प्रेशर पर चीजें चल रही होती हैं वहां अपने को बहुत मेंटेन करना होता है सब कुछ। बना लिया? ये क्या बनाया है तूने? मैंने क्या बनाया है? तूने क्या बनाया है? देख, मतलब डायग्राम देखकर तो सही बनाओ। तुम्हारी कल को कोई कॉपी देखे तो ये तो बोले कि कुछ तो पढ़ाया होगा, मतलब चले इतना सुंदर डायग्राम बनाया है, और जाहिर सी बात है बुक में तो अच्छा रहेगा ही। तुम्हारा ऐसा मन नहीं करता कई बार इसको बाहर ले जाए तो उससे मैं खींचे और बात
ताकि तुम ये समझ लो कि मतलब वहां पर चले गए तो पूरी लाइफ उसके बाद कभी पैसा नहीं लगेगा। क्या कट ऑफ से नहीं होता, रैंक से होता है। अरे अब उसमें पॉसिबल है कि AIR 1 भी अप्लाई कर दे उसमें तो ले लेंगे उसको, ये कोई वो थोड़ी है, रैंक के ऊपर है। उनको तो सीटें भरनी है, रैंक वाइज कैटेगरी बना देते हैं, खत्म। कितनी क्या उनको कोई है थोड़ी, उसमें सीट्स लिखी हुई है, शायद 450 सीट्स हैं, शायद 120 360 360 और शायद एक किसी कोर्स में 60 सीट है, 420 ही है शायद, 420 सीट है। अरे वो एकदम वो फोटो आ नहीं रहा मेरे मन में, मुझे ऐसा याद आ रहा है 120 120 120 60। अरे अखबार में है यार, देख एक तो वो हिंदी में लिखे हुए थे ना वो, कुछ तो ऐसे घूम घूम के मेरे को समझ नहीं आते। हिंदी की आती है तुम्हें गिनती? बोलनी आती है, पढ़नी नहीं आती मेरे को, नहीं आती तेरे को? उर्दू में आती है, बहुत बढ़िया बात। हाँ तो अच्छी बात है, मैं क्या माना कर रहा हूँ, एक को तो एक ही बोलते होंगे उर्दू में भी, उसमें क्या के सरा सरा। चलो मेरे को नहीं सीखनी इधर। अच्छा अब यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दो, IISc का फॉर्म भर देना, पर आज आ गया है वो। अरे यार मतलब बस भरना है, इतना सा ध्यान रखो, है ना। अभी कितने का ऐसे क्या करोगे यार, आखिरी मौका है तुम्हारे जीवन में, 10-15 हजार रुपए फॉर्म से लिए अलग रख देना। फॉर्म है इतने महंगे तो क्या करोगे, 1500-2000 से कम का कोई फॉर्म ही नहीं है यार। तुम दोनों बातें मत करो भाई, तू सीधा बैठ दीवार पे, या टिकट है सीधा एकदम। हाँ जो भी प्यार है यहाँ मत दिखो। अब यहाँ ध्यान दो, IISc का फॉर्म भरना है, बस बात खत्म। तुम्हें कोई बताए नहीं बताए, मैंने बता दिया, उस भर देना है ना। हाँ अब देख इसके अंदर क्या हुआ, सेंचुरी मीटर था अपने पास में, और हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि ये ए और बी जो पॉइंट्स हैं ग्राउंड से सेम लेवल पे, ग्राउंड से किस लेवल पे, तो अपन ए और बी पे बर्नौली अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करेंगे, बर्नौली मैंने अप्लाई की तो बोल क्या लिखूंगा, प्रेशर एट ए, क्या क्या लिखूंगा, पीए प्लस, जल्दी बोल, हाफ रो वी स्क्वायर, तो वी वन स्क्वायर हो जाएगा पक्का, भाई लिक्विड की डेंसिटी रो ले रहे हैं, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, पी बी प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर, तो रोजी एच वाली कहां गई, सेम लेवल पे ले लिए तो निमट गए। ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई, इस इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, देख इससे हमें क्या मिला, पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस, ये मिला के नहीं। अब इसके अंदर कैन यू यूज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये अपन लोगों ने क्या लगाई थी, बर्नौली थ्योरम। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, यूज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी व्हाट कैन आई राइट, जल्दी बोल, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू, तो यहां से देखना V2 कितनी आ गई, A1 अपॉन A2 टाइम्स V1, बोला ही कि नहीं, इस वाली वैल्यू को यहां पुट कर दूं V2 की जगह, क्या आ जाएगा, PA माइनस PB इज इक्वल टू, जल्दी बता, हाफ रो A1 अपॉन A2 इंटू V1 है ना, तो V1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बोल A1 स्क्वायर अपॉन, सबको देखा। अब सुन, ये जो तेरे पास पीए माइनस पीबी की वैल्यू आई है, हाफ रो वी वन स्क्वायर इंटू ए वन स्क्वायर बाय ए टू स्क्वायर माइनस वन, इसके अंदर एक छोटी, अब छोटी छोटी बातें बताना मेरे को, ए और बी प्रेशर का डिफरेंस पूछूंगा मैं तुझसे, बता अगर मान ले यहां एरिया बड़ा है यहां एरिया छोटा, तो वेलोसिटी यहां ज्यादा के यहां, यहां वी ज्यादा यहां वेलोसिटी, जहां वी ज्यादा वहां प्रेशर, जहां वेलोसिटी कम वहां पे प्रेशर, याद है ये कल ही पढ़ा अपन ने, है ना, जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां पे प्रेशर, जहां वेलोसिटी कम वहां पे प्रेशर, एरिया का फर्क पड़ता है क्या। चलो अपन लोगों ने क्या बोला, यहां वेलोसिटी ज्यादा थी इसीलिए प्रेशर क्या था, यहां वेलोसिटी कम थी तो प्रेशर क्या था। अब बता अगर मैं यहां पर बात करूं पीए और पीबी, यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो यहां प्रेशर कम और यहां प्रेशर, क्योंकि यहां प्रेशर ज्यादा है और यहां पर प्रेशर क्या है कम, तो एक बात सोच जल्दी से, यहां से जो फोर्सेस लग रहे होंगे इधर के भाई इस एलिमेंट के ऊपर, यहां से एक फोर्स लगेगा पी है पक्का,
वो जो पीए फोर्स लगेगा इधर वो वाला फोर्स और इस एलिमेंट के ऊपर जो यहां फोर्स लगेगा पीए, ज्यादा कौन सा होगा? ये प्रेशर ज्यादा है ना, ये प्रेशर ज्यादा है तो ये वाला पीए ज्यादा होगा या ये वाला? क्या ये वाला पीए ज्यादा होगा? यहां प्रेशर कम है और यहां प्रेशर, दिख गया सबको, प्रेशर भी ज्यादा एरिया भी ज्यादा तो फोर्स और ज्यादा। अब प्रेशर कम और एरिया भी कम तो फोर्स क्या? तो नेट फोर्स किधर आया? इसीलिए पानी बहता है, इसीलिए पानी क्या करता है। और यहां से क्या आप V1 की वैल्यू अपन लोग आराम से निकाल सकते हैं, दिख रहा है तुम्हें? अगर अपन लोग PA माइनस PB भी निकाल लें तो देख एक और चीज हो गई, A पॉइंट और B पॉइंट पे कैन यू राइट द प्रेशर? ध्यान से देख, PA का प्रेशर क्या होगा? रो जी एच वन, PB का होगा रो जी एच टू, PA माइनस PB होगा रो जी एच, नहीं दिखाना? A पर रो जी एच वन, B पर रो जी, PA माइनस PB नजर आ गया। तो आई कैन ऑल्सो पुट द वैल्यू ऑफ PA माइनस PB, PA माइनस PB कितना आ रहा है अपना रो जी, ये जो रो जी एच आया इसे यहां पे पुट किया, अपने आस में क्या आ गया बता? रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो वी वन स्क्वायर इंटू ए वन स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर माइनस वन। सबको देखा क्या? रो से रो भी घट गया, इस सारी क्वांटिटी को इधर लिया तो वी वन की वैल्यू आ जाएगी, वी वन विल कम आउट टू बी वॉट? जल्दी बता, टू जी एच अपॉन कितना? ए वन स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर माइनस वन, और इस पूरे का क्या बेटा? पावर हाफ। ये आपकी वेलोसिटी आती है, समझ गए? तो बहुत ज्यादा मेजरमेंट्स नहीं करने, क्वांटिटीज देख कौन सी आ रही है। एरिया तो अपने को पता होता है, जी की वैल्यू पता होती है, हाइट क्या है, ये वाला डिफरेंस निकाल सकते हो, डिफरेंस निकाला और आंसर लिखा। रटना क्या मतलब, दिस इज अ डिवाइस जिसका प्रूफ है। अब जब जेई सब्जेक्टिव होता था तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता था, अब इस पे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी। मतलब तुम तो इसे क्वेश्चन ही समझ लो, क्वेश्चन के अंदर क्या दे देंगे, ये वाली हाइट में डिफरेंस दे देंगे, डेंसिटी एनसिटी दे देंगे, तुमसे वेलोसिटी पूछ लेंगे। तो तुम्हें जो समझ में आना चाहिए वो चीज पता है क्या थी, कि रेट ऑफ फ्लो किधर है, यहां फोर्स ज्यादा और यहां फोर्स, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? ये अपने को मेजर चीज इसमें देखनी थी, जो कंसेप्ट समझना है वो ये था कि यहां की फोर्स ज्यादा है और यहां की फोर्स क्या है? कम। तो अपना इसके अंदर और क्या लिख सकते हैं, अगर कुछ ऐसी जनरल बातें इसमें लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, कि PA ग्रेटर देन PB। अरे क्या लिख सकते हैं, PA ग्रेटर देन PB, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि A1 ग्रेटर देन A2 था, कौन है तो करना क्या कर रहा है? देखना, A1 क्योंकि A2 से बड़ा था, मतलब V2 V1 से क्या हो गया? अरे यार तुम लोग, V2 बड़ा है ना, V2 V1 से क्या हो गया? इसलिए यहां प्रेशर कम हो गया, यहां पे प्रेशर दिखा, पक्की बात, नेट फोर्स इधर छापो वेंचुरी मीटर। अच्छा एक चीज बता दूं मैं, ये जो चैप्टर आप लोग देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स नाम का, ये एक मिनट इंपोर्टेंट है कि नहीं, ये वाला जो चैप्टर आप लोग देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स नाम का, ये इस वेंचुरी मीटर नाम के टॉपिक के साथ खत्म होगा, ठीक है? इस प्रकार से चैप्टर खत्म, पार्टी आ रही है आपके लिए। चलो आप लोगों को ये बोल रहा हूं मैं, सुनो, पेज नंबर 23, पेज नंबर 23, कोई बात नहीं अगर नहीं भी लाए तो, ये आपको कॉपी के अंदर लिखना है इसीलिए बता रहा हूं, शांति से लिख लें। पिट आउट ट्यूब आप लोगों को उसमें दे रखी है, 6.2 नंबर का आर्टिकल, पेज 23, ठीक है? पेज 23 पिट आउट ट्यूब और अगले पेज पे साइफन है ना, क्या पिट आउट ट्यूब, PITOT। अरे पढ़ो एक बार, पढ़ के लिखो एक बार, अभी से पढ़ लिया तो नहीं आएगा ना, अब चीजें आती हैं तो आएगा ना, पहले ना तुम्हें बर्नौली आती थी ना और कुछ होता था, एक बार करना, मैं जो बोल रहा हूँ सुन लो।
फिगर फिगर मत करो, है ना, यू शुड डू फिगर नॉट फिगर। अब सुनो, तो अपन बात कर रहे हैं, एक तो पिटोट ट्यूब कॉपी में लिखोगे पढ़ के समझ के अच्छे से, और दूसरा क्या लिखोगे कॉपी में, साइफन। साइफन तो वैसे ही बहुत आसान होता है, साइफन वो होता है, देख साइफन में क्या करना होता है ना, मैं तेरे को थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ साइफन का, जनरल हिंट है सुन लो। तुम्हें याद है वो बचपन में पेट्रोल वेट्रोल खत्म हो जाता था तो पतली सी नलची आती थी, पाइप, पतला पाइप, उसको एक को इधर डालते थे और एक को मुंह में लेके उससे पेट्रोल खींचते थे और दूसरी गाड़ी में डाल देते थे, वो साइफन है। उसे एक बस उसे अच्छा नाम दे दिया गया, क्या नाम दे दिया उसे, साइफन, अंग्रेज लोगों ने फालतू का एक नाम दे दिया और कुछ नहीं। अब ये जो साइफन था ना, अरे बात नहीं करनी, इधर ध्यान दो, अरे सुन लो यार, बात नहीं टोपी वाले लोगों, बात नहीं करें, इधर ध्यान दे। तो साइफन जो होता है उसमें क्या होता है, एक एंड को क्या करते हैं पानी में और दूसरे एंड को बाहर, समझ गए, इन दोनों एंड्स के अंदर अपन लोग क्या लगा देते हैं, बर्नौली। ये वही है जैसे तुम लोग बचपन में कूलर वूलर खाली करते होंगे, तो एक एंड पे पाइप डाला, इधर से अपन ने इसको सक किया पानी को और दूसरे एंड से निकाल दिया, तो कंटिन्यू निकलता रहता है, यही तो होता है, वैसे ही इसके अंदर होता है, देखना जरा कैसे, समझ तो आई गया होगा, समझना क्या है। जैसे मान ले इसके अंदर पानी आनी भरा है, क्या हम लोगों ने क्या डाल दिया इसमें, एक पाइप पाइप डाल दिया है, ठीक है, अपने को तो यहां पे है ना वेलोसिटी निकालनी होती है, क्या वेलोसिटी आएगी, साइफन है, क्या कहलाता है बेटा, साइफन, ठीक है। तो जब अपन इसमें वेलोसिटी निकालता है ना, तो कुछ नहीं करना, सुन लो, यहां पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर बर्नौली लगा दो, तो दो हाइट हो गई इसकी, एक हाइट तो ये होती है, मान ले दिस हाइट इज H2, दिस हाइट इज व्हाट, H1, तो अपने को तो बर्नौली लगानी होती है, तो अपने यहां जो वेलोसिटी आती है ना यहां पे, वो वेलोसिटी इट कम्स आउट टू बी √2gH2, ऊपर वाले पोर्शन के हिसाब से आती है वो। बर्नौली लिखा तो क्या लिखा है, यहां पर P0 + ρgH2 शुड बी इक्वल टू P0 + ½ρv² लिख गया कि नहीं, तो V की वैल्यू आ जाती। अरे H1 का फर्क पड़ रहा है क्या इसके प्रेशर पर, नहीं पड़ रहा ना, तो P0 + ρgH2 शुड बी इक्वल टू P0 + ½ρv² V क्या आ गई √2gH, और H कितना, अरे यार ऐसे ही पिटोट ट्यूब को भी देख लेना, ठीक है, वर्किंग है उसको एक बार पढ़ के देख लेना, इट इज इजी, पढ़ के देख के उसे कॉपी के अंदर प्लीज कॉपी कर लेना, पिटोट ट्यूब भी और साइफन भी, दोनों को कॉपी कर आपने, समझ गए। ये देख वेंचुरी मीटर दिखाऊं तेरे को, ऐसा ही तो शेप है, बहुत बढ़िया, वाह वाह कितने बढ़िया बच्चे, अच्छा मैंने कुछ डिस्कशन में भी दिया था ना, ग्रेविटेशन में कहां तक हुआ था अपना, 1, 2, 4 हो गई थी सारी, 1, 2 और 4 तीनों हो गई थी ना ग्रेविटेशन की।